हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियोस में हम बात करने वाले हैं फेसबुक में अगर आप यहां पर लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप अपने फेसबुक का पासवर्ड यहां पर भूल गए हैं तो किस तरीके से अपनी फेसबुक आईडी को ओपन कर सकते हैं, किस तरीके से हम लॉगिन कर सकते हैं, आज की इस वीडियोस में हम जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर अपना पासवर्ड डालकर यहाँ पर लॉगिन कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब ऐसे में इस तरीके की अगर प्रॉब्लम आ रही है तो हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इस वीडियो से मैं आपको इसमें तीन तरीके बताऊंगा जो कि आप तीनों तरीके से अपने अकाउंट को यहां पर पा सकते हैं। तो चलिए किस तरीके से वो तीनों तरीके हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आपने अभी तक वीडियोज़ को लाइक नहीं किया है तो वीडियोज़ को लाइक कर दें। तो चलिए मैं यहाँ से सिंपली इसे ओके करता हूँ। ओके करने के बाद में दोबारा पासवर्ड डालकर मैं यहाँ पर दोबारा लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं इनकरेक्ट पासवर्ड। अगर आपके सामने इस तरीके से आ रहा है तब भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मैं यहां से फॉरगेट पासवर्ड पर सिंपली क्लिक करूंगा। यहां पर आपको परमिशंस को अलाउ कर देना है। परमिशंस को अलाउ कर देते हैं तो आपके सामने यहां पर मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है जो भी आपने फेसबुक आईडी में लगाया था। ठीक है, तो पहले तरीके से तो आप अपने मोबाइल नंबर से ही यहाँ पर अकाउंट को सर्च कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है। उसके बाद में यहाँ पर मैं फाइंड अकाउंट पर सिंपली क्लिक करता हूँ तो जो भी आपका मोबाइल नंबर है, जितने भी उससे फेसबुक अकाउंट बने हुए होंगे वो आपके सामने यहाँ पर आ जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो जो भी अकाउंट है वो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं बिना पासवर्ड डाले। ठीक है, इसी के साथ में चलिए मैं यहाँ से सिंपली इसे बैक कर देता हूँ और बैक करने के बाद में अब हम ईमेल आईडी से यहाँ पर सर्च करेंगे। ठीक है, अगर आपके फ़ोन में पहले कोई ईमेल आईडी थी और आपने उस ईमेल आईडी को वहाँ पर धोखे से भी लगा रखा है, ठीक है, तब भी आप यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी के ही जरिए आप यहाँ पर अकाउंट को देख सकते हैं और पा सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी एंटर करता हूँ। मैं यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी एंटर कर रहा हूँ। नीचे देख पा रहे हैं मोबाइल नंबर का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से आप मोबाइल नंबर से और ईमेल आईडी से दोनों से ही कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी एंटर कर देता हूँ। करने के बाद में आपको फाइंड अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिल गया है, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। तो इससे यह है जो भी आपका अकाउंट होगा ईमेल आईडी से जुड़ा हुआ वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसी के साथ में अगर आपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लगा रखी होगी तो आपको यहाँ पर अकाउंट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ट्राई ऑथर। ठीक है, उसके बाद में चलिए हम यहाँ से बैक करते हैं और अपने मोबाइल नंबर से ही मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ और इसी के साथ में अकाउंट को मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिंपली करूँगा क्या, मैं यहाँ पर कंटिन्यू का ये ऑप्शन मिल गया है, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में अब अगर आपका मेल पर OTP गया होगा, ठीक है, अगर आपके पास मेल है वो और आपने कभी भी मेल लगाई थी फेसबुक में तो उस मेल पर एक OTP गया होगा, वो OTP डालकर और आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। पर ऐसा आपको अपने मोबाइल नंबर में देखने को नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पर OTP डालना पड़ेगा। पर अगर आपने मोबाइल नंबर लगाया होगा तो वहाँ पर आपको OTP डालने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मैं यहाँ से बैक करूँगा, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालता हूँ, उसके बाद में फाइंड अकाउंट पे सिंपली क्लिक करता हूँ। जो भी अकाउंट है उस अकाउंट पर आप डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। तो चलिए मैं इस पर सिंपली क्लिक कर लेता हूँ और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मेरा अकाउंट यहाँ पर ओपन हो चुका है। कंटिन्यू पर सिंपली क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मुझसे किसी भी तरीके का OTP नहीं मांगा गया है। तो आप अपने मोबाइल नंबर से यहाँ पर बिना OTP के यहाँ पर अपनी फेसबुक आईडी को ओपन कर सकते हैं। ये तो थे दो तरीके, अब चलिए जान लेते हैं लगे हाथों हम तीसरे तरीके के बारे में। तो ये अब बचता है तीसरा तरीका जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक है। आपको किसी का भी मोबाइल लेना है, उसके मोबाइल में फेसबुक लाइट एप्लीकेशन को ओपन करना है। 3 लाइन पर सिंपली क्लिक करना है, रिपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा नीचे में। ठीक है, कंटिन्यू का आपका ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको जिस तरीके की आपको दिक्कत आ रही है तो उसी तरीके से आप यहां से रिपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि लॉगिन की दिक्कत आ रही है। अब आपको जिस तरीके की लॉगिन की दिक्कत आ रही है वो आप यहां पर टाइप करेंगे और आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना है, यहां पर अपलोड कर देना है। ठीक है, अगर आपको मोबाइल नंबर से आपका अकाउंट दिख रहा है और आप यहाँ पर लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं या फिर अपनी ईमेल आईडी से आप यहाँ पर लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं तो जिस भी तरीके की दिक्कत आ रही है वो आप यहाँ पर टाइप करेंगे और आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट यानी कि आपको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद अब आप यहां से सेंड कर देंगे तो आपको 24 घंटे के अंदर अंदर आपको यहां पर रिप्लाई मिल जाएगा। उसके बाद में आप यहां पर फेसबुक को यूज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियोस को लाइक